आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से एक लैंप को सेंसर के द्वारा चालू और बंद करोगे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास में यहाँ पे लैंप है। ये जो लैंप है ये लैंप एसी पावर सप्लाई पे वर्क करता है, यानी कि एसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद ही लैंप चालू होगा। लेकिन ये जो मेरे पास में सेंसर है ये सेंसर डीसी पावर सप्लाई पे वर्क करता है। तो यदि आपके पास में एसी लोड है और उसको चालू करना है डीसी पावर सप्लाई के द्वारा, तो उसके बीच में आपको रिले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं जो यहाँ पे रिले इस्तेमाल कर रहा हूँ ये रिले SSR है। SSR का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट रिले। ये जो SSR है इसके बारे में मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट ये है कि जो SSR होता है इसमें किसी भी प्रकार का मूविंग वाली ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि आपने कॉन्टेक्टर और रिले में देखे होंगे, एक कॉन्टेक्ट होता है चालू बंद होता है, लेकिन इस रिले में किसी भी प्रकार का मूवमेंट वाली ऑब्जेक्ट नहीं होती है। इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो SSR होती है इसको जब हम चालू बंद करते हैं तो इसके द्वारा किसी भी प्रकार का नॉइज जनरेट नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे जो कॉन्टेक्टर होता है उस कॉन्टेक्टर को जब हम चालू करते हैं तो एक खट सी आवाज़ आती है, लेकिन ये जो रिले इस रिले का इस्तेमाल करने से किसी भी प्रकार का खट की आवाज़ या फिर चालू होने की आवाज़ नहीं आती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि इस रिले को हम बहुत ही फास्ट स्विचिंग करवा सकते हैं। नॉर्मल रिले के मुकाबले इस रिले का स्विचिंग बहुत ही फास्ट होती है। ओके, तो ये जो लैंप है इस लैंप का जो सर्किट है उसको चालू बंद करने के लिए इस रिले का इस्तेमाल किया जाएगा। तो किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई है उसको लाके MCB के साथ कनेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ पे फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दिया। अब ये जो MCB है इस MCB का जो फेस वाली टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक वायर को लेके जाना है और सॉलिड स्टेट रिले का जो एक नंबर का टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट करना होगा। अब ये जो टर्मिनल है इसका आउटपुट पावर सप्लाई आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। तो इस पॉइंट से आपको एक वायर ले जाना है और लैंप को डायरेक्टली फेस सप्लाई प्रोवाइड कर देना है। अब इस लैंप को ऑपरेट करने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो जो भी हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है वहाँ से एक वायर को लेके जाएंगे और इसको ले जाके डायरेक्टली लैंप के साथ कनेक्शन कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है। तो फिलहाल के टाइम पे हमने केवल इस लैंप को चालू करने के लिए कनेक्शन कर दिए। अब ये जो लैंप है इस लैंप को हमें सेंसर के द्वारा चालू करना है। तो ये जो सेंसर है इसका कनेक्शन कैसे करेंगे इसको भी हम समझ लेते हैं। जब भी आप कभी सेंसर का कनेक्शन करने जाओ तो कनेक्शन करने से पहले आप इस सेंसर के ऊपर में जो डिटेल लिखा हुआ है उसको देख लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है NPN NO, यानी कि ये जो मेरा सेंसर है इस सेंसर से जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो नेगेटिव वाला होगा। अब मुझे यहाँ पे कैसे पता चला कि आउटपुट सिग्नल नेगेटिव पावर सप्लाई वाली होगी? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो NPN लिखा हुआ है NPN का मतलब होता है कि आउटपुट में हमें नेगेटिव सिग्नल मिलेगा। यदि यहाँ पे PNP लिखा होता तो इसका मतलब ये होता कि आउटपुट सिग्नल जो हमें मिलेगा वो पॉजिटिव पावर सप्लाई वाली होगी। अब इसके अलावा हमें एक और चीज़ देखना होता है कि जो हम सेंसर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेंसर हमारा NO है कि NC है। जैसे कि ये वाला जो सेंसर ये NO सेंसर है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो सेंसर है ये सेंसर हमारा DC पावर सप्लाई पे वर्क होगा। अब मेरे पास में यहाँ पे पूरा का पूरा AC पावर सप्लाई है, तो मुझे यहाँ पे AC पावर सप्लाई को DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जैसे कि हम सभी को मालूम है कि AC पावर सप्लाई को DC पावर सप्लाई में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें SMPS का इस्तेमाल करना पड़ता है। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, तो ये जो SMPS है इस SMPS को सबसे पहले हमें फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फेस सप्लाई को ले जाके इस SMPS का जो फेस वाला टर्मिनल है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे L लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पहला वाला जो टर्मिनल है उस पर हमें फेस सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। सेकेंड वाले टर्मिनल पे N लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके N वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। अब इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे अर्थिंग का सिंबल बनाया गया है, यानी कि ये जो SMPS है इसका जो बॉडी होता है उस बॉडी को हमें अर्थिंग करना होता है। यदि आप अर्थिंग नहीं करोगे तो इसका जो बॉडी है उसमें करंट आएगा जिससे कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो जब भी कभी आप SMPS का इस्तेमाल करने जाओ तो उसको अर्थिंग के साथ कनेक्शन कर दीजिएगा। तो अर्थिंग के साथ कनेक्शन करने के लिए मैं क्या करूँगा, अर्थिंग वाला जो टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर को ले जाके अर्थिंग के साथ डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दूंगा। ओके, तो इस SMPS को मैंने AC पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो SMPS है ये हमें आउटपुट में DC पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा। DC पावर सप्लाई हमें B- और B+ वाले टर्मिनल से मिलेगा। माइनस वाले टर्मिनल से हमें नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा और पॉजिटिव वाले टर्मिनल से हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो माइनस वाला टर्मिनल है वहाँ से एक वायर को ले जाके जो मेरा सेंसर है इस सेंसर का जो ब्लू वायर है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। सेंसर का जो वायर होता है उस वायर का एक कलर कोडिंग होती है। जैसे कि सेंसर का जो ब्लू वायर है उसमें हमें नेगेटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है,
ब्राउन वायर में हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि SMPS का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वहाँ से एक वायर को ले जाके इस सेंसर का जो ब्राउन वायर है उसके साथ कनेक्शन कर देता हूँ। अब ये जो ब्लैक वायर है इसके जरिए हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा, तो इस वाले वायर से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके SSR का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस का सिंबल बनाया गया है, तो इसी वाले टर्मिनल पे हमें नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है। तो आउटपुट सिग्नल को मैं ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यदि आपका सेंसर PNP टाइप का होगा तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, जो आउटपुट पावर सप्लाई होगा वो जाके पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट होगा। PNP का मतलब कि पॉजिटिव पावर सप्लाई आपको आउटपुट में मिलेगा, NPN का मतलब कि आपको नेगेटिव पावर सप्लाई आउटपुट में मिलेगा। तो जो भी आपका पावर सप्लाई है उसी के अकॉर्डिंग आपको कनेक्शन करना होता है। तो मैंने इस वायर को ले जाके नेगेटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है इसमें हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ से एक वायर को लूप करके इसको पॉजिटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये जो DC सेंसर है इस सेंसर के द्वारा AC लोड को चालू और बंद करने के लिए पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये जो पूरा सर्किट डायग्राम है कैसे वर्क करता है एक बार समझ लेते हैं। तो ये जो लैंप है इसको चालू करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो MCB है इसको ऑन करना पड़ेगा। MCB को ऑन करते ही हमारा जो लैंप है उसको न्यूट्रल पावर सप्लाई मिल जाएगा, लेकिन इस लैंप को फेस सप्लाई नहीं मिलेगा क्योंकि हमने बीच में रिले को कनेक्ट किए हैं। यदि इस लैंप को हमें फेस सप्लाई प्रोवाइड करना है, फेस सप्लाई यहाँ से फ्लो होके जाएगा। यदि हमें इस लैंप को फेस सप्लाई प्रोवाइड करना है तो इस कंडीशन में इस रिले को हमें चालू करना पड़ेगा। तो इस रिले को चालू करने के लिए हमें इस सेंसर को ऑपरेट करवाना पड़ेगा, और ये जो सेंसर है इस सेंसर के सामने जैसे ही टारगेट आता है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के आते ही सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद आउटपुट सिग्नल को जनरेट करेगा। अब जो आउटपुट सिग्नल होगा वो चला जाएगा इस रिले के नेगेटिव टर्मिनल पे, यानी कि इस रिले को नेगेटिव पावर सप्लाई मिल गया और पॉजिटिव पावर सप्लाई हमने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखे हैं। तो इस कंडीशन में जो रिले है, रिले हमारा ऑपरेट हो जाएगा और इसके ऑपरेट होते ही लैंप जो है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम के अनुसार क्या होगा, इस सेंसर के सामने जैसे ही कोई टारगेट आएगा लैंप हमारा ऑन हो जाएगा, और सेंसर के सामने से जैसे ही टारगेट चला जाता है तो इस कंडीशन में लैंप हमारा ऑफ हो जाएगा। आई होप कि आपको पूरा कनेक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यदि आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।